वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए धनबाद जिला प्रशासन शुक्रवार से अपने तेवर में बदलाव करते दिख रहा है। इस बाबत एसडीएम राज महेश्वरम ने बताया कि अब कोयलांचल के लोग शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर बगैर वजह के घर से बाहर जाना पड़ता है तो उस पर आईपीसी के धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एसडीएम ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गर्भवती महिला और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बगैर कारण सड़क पर पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीएल और कई जरूरी विभागों के 50,000 से अधिक कामगार प्रतिदिन ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, जिसके वजह से सड़कों पर लॉकडाउन में ढिलाई प्रतीत होता है। साथ ही ई पास वाले भी लोग निकल रहे हैं, जिसके वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि लॉकडाउन कमजोर पड़ गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस बाबत जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बगैर काम के सड़क पर या घर से बाहर निकलने पर पकड़े जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी। लॉकडाउन में कड़ाई करने का निर्देश मिला है, उसी के तहत हम लोग आज ये निर्णय लिए हैं कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से चिकित्सीय कार्य के अलावा नहीं निकलेंगे, चाहे वो गाड़ी से हो या पैदल हो। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे दिन में जो 65 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 वर्ष के बच्चे, चिकित्सीय कार्य के अलावा किसी भी परिस्थिति में अपने घरों से नहीं निकलेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो आईपीसी के विभिन्न प्रावधान और एपिडेमिक एक्ट के तहत सभी पे लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार जो है सड़कों पे आवाजाही देखने को मिल रहा है, गाड़ी का प्रचार किया और दूरी क्षेत्रों में दुकानें खुली हुई है। मुख्य कारण है कि धनबाद जिले में काफी लोगों को बीसीसीएल के कर्मी है, बैंक के कर्मी है और राशन दुकानदार है, जिसके कारण कि दिन में उनका आवागमन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रीज खुल गए हैं, जिसके कारण उनके प्रबंधक हो या जो उनपे काम करने वाले हैं, लोग की आवाजाही हो रही है। उससे ये प्रतीत हो रहा है कि लगता है कि धनबाद में काफी लोग निकले हुए हैं, तो हम लोग उस पर देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग उसको राशनिंग करें कि कम से कम लोग यात्रा करें। ई परमिट भी हम लोग, ई पास भी निर्गत हो रहा है, तो ई पास भी काफी लोगों को निर्गत किया गया जो आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। आपको जानकारी होगी कि यहाँ पे 40,000 से 50,000 तक बीसीसीएल के कर्मी हैं, मजदूर हैं, तो उनका भी आवागमन हो रहा है। इसी के कारण शहरों में वैसा प्रतीत हो रहा है कि काफी लोग गाड़ियों की मूवमेंट हो रही है।